गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, सावन सर इंग्लिश चैनल के माध्यम से हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। 8th, 10th, 12th जितनी भी क्लासेज होती है, एकेडमी क्लासेज, इसके अलावा अकेडमी क्लासेज के अलावा जो ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जो टॉपिक आते हैं, उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल शुरू किया है। आपको इसके बारे में जानकारी है और इस पर वीडियो बनाना या वीडियो अपलोड करना, इस ये चैनल बनाने का एक उद्देश्य है कि मैं मेरी क्लास के बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश ग्रामर की लर्निंग करवा सकूं। मतलब आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो डिजिटल तरीके से, इस तरीके से यूट्यूब पर इन पर देखकर पढ़ने में थोड़ी रुचि रखती है, तो उसके लिए ये क्लासेस शुरू की है। तो ये जो चैनल है, ये चैनल बनाने का उद्देश्य अर्निंग करना नहीं है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि अपने जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से लर्न कर सके, अच्छे से इंग्लिश ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक्स को सीख सके। तो देखिए, इस चैनल से हमने सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ना शुरू किया है और टेंस की प्रत्येक टेंस जो होते हैं उसकी क्लासेस डेली आ रही है। पिछले दो दिन से क्लासेस नहीं आ पाई है क्योंकि पिछले दो दिन से हॉलीडे था, होली का त्यौहार था कल, इस वजह से क्लासेस बन नहीं पाई। अब आज हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस की क्लास हमारी पार्ट फर्स्ट हो गया था, अब आज पास्ट कंटिन्यूस में पार्ट सेकंड पढ़ते हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेज स्ट्रक्चर्स, उसका मीनिंग, उसकी पहचान हिंदी में, अंग्रेजी में अलग अलग तरीके से देखी थी। अब आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पार्ट टू, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कुछ उसके अदर यूजेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने कहा था कि कोई भी कार्य पास्ट में शुरू होकर समाप्त हो जाता है, मतलब कोई कार्य पास्ट में शुरू रहता है, शुरू होकर चालू रहता है, उसके जो उसका जो असर है, इफेक्ट है, वो प्रेजेंट तक नहीं पहुंचता है। मतलब उसका इफेक्ट, वो जो कार्य है, एक्शन है, उसका इफेक्ट पास्ट में ही पूरा हो जाता है। जैसे मैं सो रहा था, क्या सेंटेंस बोला मैंने, मैं सो रहा था, तो देखा आपने, सोने का जो काम है वो पास्ट में चालू रहा था, अब उसका कोई इफेक्ट नहीं है, मैं सो रहा था। दूसरी बात, अब इसमें क्या है, दो अलग यूज भी है, उसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। दो अलग यूज क्या है, एक यूज तो यह है कि पास्ट में कोई भी कार्य, दो अलग अलग कार्य हैं और वो क्या होते हैं, साथ में चलते हैं। मतलब कोई भी दो अलग अलग कार्य हैं वो क्या होते हैं, साथ में चलते हैं। और एक अलग यूज क्या है कि कोई भी एक कार्य चलता रहता है, उसी बीच में कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य, मतलब कोई अन्य घटना घट जाती है, तो ये जो कार्य होते हैं वो भी हम कौन से टेंस से बताते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से बताते हैं। हम खुलकर चर्चा करते हैं इस बारे में। देखो, पहला इसका यूज बताता हूँ, यह है जब दो अलग जब दो अलग अलग कार्य एक साथ पास्ट टाइम में चले हो। देखो, जब दो अलग अलग कार्य हैं और पास्ट में एक साथ चले हों, तो उसके लिए भी हम कौन सा टेंस काम में लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस काम में लेते हैं। सेकंड बात है, जब कोई कार्य पास्ट में चालू था, जब कोई कार्य पास्ट में चालू था और उसी बीच में कोई महत्वपूर्ण कार्य घटित हो जाता है, तो देखो, हमने यहाँ दो बातें लिखी है। पहली तो क्या है, जब दो अलग अलग कार्य हैं जो एक साथ चल रहे हैं पास्ट में, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस से दिखाएंगे। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ और मेरी बेटी अंग्रेजी पढ़ रही, नहीं सॉरी,
मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था और मेरी बेटी अंग्रेजी पढ़ रही थी, तो देखो दो कार्य हैं, या फिर मेरी बेटी हिंदी लिख रही थी या एक पत्र लिख रही थी, मतलब कार्य क्या है। सब्जेक्ट दो अलग अलग हैं, दोनों के कार्य अलग अलग हैं, पर पास्ट में क्या है, वो रनिंग में है, चालू है। तो देखो जब दो कार्य अलग अलग हैं और पास्ट में चालू हैं तो दोनों सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस से बताएंगे। और ये जो है, जब कोई एक कार्य चालू है मतलब रनिंग में है और उसी बीच में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है, तो जो कार्य बीच में पॉइंट पर पूरा होता है, क्या कह रहा हूँ मैं, मान लो कोई कार्य है ये रनिंग में है, उसी बीच में कोई पॉइंट पर कोई घटना घट जाती है, तो वो जो पॉइंट पर घटना घटती है उसको तो हम पास्ट इंडेफिनिट से बताते हैं, और जो कार्य चालू रहता है उसको पास्ट कंटिन्यूस से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यह सेंटेंस लिखता हूँ, आप देखिए, लुक एट द सेंटेंस। देखो, राम वाज प्लेइंग, क्या सेंटेंस लिखा है, राम वाज प्लेइंग वाइल श्याम वाज रीडिंग। पहला सेंटेंस है, राम वाज प्लेइंग वाइल श्याम वाज रीडिंग। राम पढ़ रहा था जबकि राम खेल रहा था जबकि श्याम पढ़ रहा था। देखो दो अलग कार्य हैं, राम क्या काम कर रहा था, राम वाज प्लेइंग, राम खेलने का काम कर रहा था, वाइल श्याम वाज रीडिंग, और श्याम जबकि श्याम क्या कर रहा था, वो पढ़ने का कार्य कर रहा था। मतलब दो कोई भी कार्य हैं जो पास्ट में साथ साथ चले हैं, दोनों सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म से बताते हैं। और ये जो है कि कोई भी कार्य चालू था और उसी बीच में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है, तो इसके लिए कौन सा करते हैं, जो कार्य चालू था उसमें पास्ट कंटिन्यूस, और जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस काम में लेते हैं। देखिए, आई वाज वॉशिंग माय क्लोथ्स, आई वाज वॉशिंग माई क्लोथ्स, मैं मेरे कपड़े धो रहा था। वेन द पोस्टमैन केम, देखो आई वाज वॉशिंग माई क्लोथ्स वैन, जब मैं मेरे कपड़े धो रहा था, द पोस्टमैन केम, पोस्टमैन आया। इस वैन को हम चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, वैन आई वाज वॉशिंग माई क्लोथ्स, जब मैं मेरे कपड़े धो रहा था, द पोस्टमैन केम, डाकिया आया। पोस्टमैन मतलब क्या होता है, डाकिया, जो डाक देने का काम करता है उसको पोस्टमैन कहते हैं, और केम मतलब आया। तो देखो आप यहाँ देखने के बाद यह है कि यहाँ देखो वाज वॉशिंग आ रहा है और यहाँ पर केम आ रहा है, तो जो काम रनिंग में था वो तो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में है, और जो काम बीच में हुआ तो वो किस में है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो देखो ये दो अलग यूज है, ये भी किस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं। कोई भी दो कार्य अलग अलग कार्य हैं, एक साथ चल रहे थे, दोनों पास्ट कंटिन्यूस से बताए जाएंगे, और कोई भी एक कार्य जो रनिंग में था उसी बीच में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई, तो जो कार्य रनिंग में था उसको पास्ट कंटिन्यूस में बताएंगे, और जो बीच में घटना घटी उसको पास्ट इंडेफिनिट से बताएंगे। आप समझ पा रहे हैं। अब हम पास्ट कंटिन्यूस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, उसमें हम सीखते हैं किस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कोई भी सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाते हैं, उसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है या एक ऐसी विधा है जिसको हमें आना जरूरी है। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ करेंगे। ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, उसमें हमने एक स्ट्रक्चर देखा था कि पास्ट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया वाज या वर आती है, वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। वाज सहायक क्रिया किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और वर सहायक क्रिया प्लूरल के साथ। अब यहाँ भी वही सिस्टम है, निगेटिव में आप जानते हैं निगेटिव में क्या करते हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नोट लगाते हैं,
यही इसमें मस्ट काम होता है। सहायक क्रिया और वर्ब की जो भी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर उसकी आईएनजी फॉर्म, तो उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, नोट ऐड करते हैं, एन ओ टी नोट उसमें ऐड करते हैं सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में, तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। देखते हैं हम, देखो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया या तो वाज या वर, वाज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, वर किसके साथ, प्लूरल के साथ, प्लस नोट, नोट के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट। देखो यहाँ आते आते मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसको, जैसे सब्जेक्ट है उसको एस से बताया, ऑब्जेक्ट को ओ से बताया, और जो रेस्ट आता है पीछे उसको आर से डिस्प्ले कर दिया। अब ये किसके लिए हुआ, निगेटिव के लिए, पहले हम निगेटिव की चर्चा करते हैं, इंट्रोगेटिव की बाद में करेंगे। देखो अब ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज सहायक क्रिया, प्लूरल है तो वर सहायक क्रिया। यहाँ कुछ सेंटेंस लिखते हैं, पहला है हम बाजार जा नहीं जा रहे थे। देखो पहला सेंटेंस क्या है, हम बाजार नहीं जा रहे थे। दूसरा सेंटेंस है, मैं खाना नहीं खा रहा था। थर्ड सेंटेंस है, वह कपड़े नहीं धो रही थी, वह कपड़े नहीं धो रही थी। और चौथा सेंटेंस है, दीपक कमरे में नहीं पढ़ रहा था। देखिए हमने यहाँ चार सेंटेंस लिखे हैं, चार सेंटेंस क्या है, पहला है हम बाजार नहीं जा रहे थे, दूसरा है मैं खाना नहीं खा रहा था, और थर्ड सेंटेंस है वह कपड़े नहीं धो रही थी, और फोर्थ सेंटेंस है दीपक कमरे में नहीं पढ़ रहा था। ये सभी सेंटेंस है, ये कौन से सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस के है, क्योंकि पीछे क्या रहा है, रहे थे, रहा था, रही थी, रहा था, ऐसे। और निगेटिव है क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस में क्या रहा है, नहीं आ रहा है, प्रत्येक सेंटेंस में क्या रहा है, नहीं आ रहा है। तो पास्ट कंटिन्यूस में भी है और वाक्य में नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। देखिए आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये जो सब्जेक्ट दे रखा है आगे, क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, मतलब प्रत्येक सेंटेंस में हम क्या भरेंगे, पहले सब्जेक्ट भरेंगे। जैसे हम है, हमको क्या लिखेंगे, वी, हम के लिए क्या लिख दिया अपन ने, वी, मतलब हम जो होता है उसके लिए इंग्लिश में क्या शब्द होता है, वी, डब्ल्यू ई, वी माने हम। मैं के लिए क्या होता है, आई। वह कपड़े नहीं धो रही थी, वह के लिए क्या लिखते हैं, शी। देखो एस एच ई सी ये स्त्री के लिए आता है, एच ई ई वह पुरुष के लिए आता है। दीपक डी डबल ई पी ए के, क्या बन गया ये, दीपक नाम है किसी का। तो देखो सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया वाज या वर में से एक लगानी है। वी के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। सी के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और दीपक के साथ भी क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। देखो किसी का नाम होता है या ही सी आई होता है तो इनके साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर सहायक क्रिया लगाते हैं। फिर नोट लगाना है, एन ओ टी नोट, सभी में नोट लगा देंगे पहले। देखो सहायक क्रिया के बाद में क्या लगाएंगे, नोट लिखेंगे। नोट के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है, मतलब जो क्रिया है, क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आई एन जी लगाना है। जैसे जा रहे थे, जाना को गो कहते हैं तो आई एन जी लगाते हैं, क्या बन गया, गोइंग। खा रहा था, खाना को ईट कहते हैं तो क्या बन गया, ईटिंग। दो रही थी दोनों को क्या कहते हैं, वास, तो क्या बन गया, वासिंग। और पढ़ रहा था, पढ़ना को रीड कहते हैं तो बन गया, रीडिंग। देखिए वर्ब के पास फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर अब लगाना है ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट की प्लेस में बाजार, तो गोइंग टू मार्केट। यहाँ क्या है, खाना नहीं खा रहा था तो ईटिंग फूड। कपड़े नहीं धो रही थी, वॉशिंग क्लोथ्स।
और दीपक कमरे में नहीं पढ़ रहा था, दीपक वॉज नॉट रीडिंग इन द रूम, इन द रूम। देखो ये चार सेंटेंस लिखे हैं, ये नेगेटिव के हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं आपने भी देखा है। अब इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट के बाद की सहायक क्रिया है ये कहाँ आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, जैसे वाज और वर, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। मतलब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसको पहले हम देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये सिंगुलर है प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है आईएनजी आ रही है, ये कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। मतलब वाज वर सहायक क्रिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। देखिए सेंटेंस लिखता हूं, क्या बच्चे दौड़ रहे थे, क्या सेंटेंस बना है, क्या बच्चे दौड़ रहे थे। अगला है क्या कुत्ते भौंक रहे थे। थर्ड सेंटेंस है क्या मोर नाच रहे थे। चौथा सेंटेंस है क्या वह रो रही थी। देखिए हमने यहाँ चार सेंटेंस लिखे हैं, ये चार सेंटेंस कौन से टेंस के, पास्ट कंटिन्यूस के कैसे हैं, क्योंकि इनकी पहचान आप देख रहे हैं पीछे रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहे हैं। अब ये प्रश्नवाचक है, इसकी क्या पहचान है कि वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, मैंने स्ट्रक्चर बता रखा है आपको। ये हिंदी से इंग्लिश में बदलने का स्ट्रक्चर है कि पहले सहायक क्रिया वाज या वर लिखेंगे, पर वो किसके आधार पर लिखेंगे, सब्जेक्ट के आधार पर। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे को चिल्ड्रन कहते हैं तो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगी सहायक क्रिया वर, वर द चिल्ड्रन। यहाँ है कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे मतलब डॉग्स, तो ये भी क्या है प्लूरल है, वर द डॉग्स। क्या मोर नाच रहे थे, मोर भी प्लूरल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर द पिकॉक्स। क्या वह रो रही थी, अब देखो क्या वह रो रही थी, सिंगुलर है वह रो रही थी, गर्ल्स है तो क्या लिखेंगे, वाज सी, क्या लिखेंगे, वाज सी। तो देखो हमने सहायक क्रिया लिखी, सब्जेक्ट लिखा, फिर क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दौड़ना को क्या कहते हैं, रन कहते हैं, आर यू एन, और इसका आईएनजी लगाएंगे तो एन डबल हो जाएगा रनिंग, वर द चिल्ड्रन रनिंग, क्या बच्चे दौड़ रहे थे, ये सेंटेंस हो जाता है पूरा यहीं। क्या कुत्ते भौंक रहे थे, वर द डॉग्स, अब भौंकना क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं, और इसके साथ आईएनजी लगेगा तो क्या बन जाएगा, बार्किंग, वर द डॉग्स बार्किंग। क्या मोर नाच रहे थे, वर द पिकॉक्स डांस, नाचने को क्या कहते हैं, डांस, तो क्या बन जाएगा, ये डांसिंग। और क्या वर हो रही थी, वाज सी, रोना को वीप कहते हैं, डब्ल्यू डब्ल ए पी वीप, और इसके साथ लग जाएगा आईएनजी तो वीपिंग, क्या बन गया, वाज सी वीपिंग, क्या वह रो रही थी। देखिए हुआ क्या, हमने पहले इधर नकारात्मक सेंटेंस देखे अभी, मतलब नेगेटिव सेंटेंस जिनको हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे, इसका स्ट्रक्चर देखा, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, ये नेगेटिव सेंटेंस हुए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए। इसके अलावा एक और होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब जो प्रश्नवाचक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। उसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले उसका नाम इंट्रोगेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव रहेगा, फिर वो नेगेटिव हो रहा है तो फिर नेगेटिव रहेगा। तो ये जो वाज वर सहायक क्रिया है प्लस सब्जेक्ट है ये तो अपने जगह सेम है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है। मतलब अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद उसमें नोट सेट करना है। कैसे, जैसे क्या बच्चे दौड़ रहे थे, अब अगर इसमें ऐसा लिखा हो क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे थे, तो वर द चिल्ड्रन नोट रनिंग,
वर द चिल्ड्रन नॉट रनिंग, मतलब ये जो चिल्ड्रन है उसके बाद क्या जाएगा, नोट। क्या कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, वर द डॉग्स नॉट बार्किंग, वर द डॉग्स नॉट बार्किंग। क्या मोर नहीं नाच रहे थे, वर द पिकॉक्स नॉट डांसिंग, वर द पिकॉक नॉट डांसिंग। और क्या वह नहीं रो रही थी, वाज सी नॉट वीपिंग, वाज सी नॉट वीपिंग। मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, बाकी जो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है सेम रहता है। तो देखो आज की क्लास में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो तीन तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमने अभी देखे हैं। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल की क्लास में हम मिलते हैं और पास्ट कंटिन्यूस के बाद अगला टेंस हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, गुड बाय, थैंक यू।